चैप्टर 36 है इंग्लिश का, वर्ड पेयर्स। अब देखिए दो वर्ड है उनका पेयर करके, दो वर्ड को मिला करके एक न्यू वर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये बटर है मक्खन और ये फ्लाई है मक्खी, तो बटर और फ्लाई मिलकर के क्या हो गया, बटरफ्लाई, एक न्यू वर्ड बन गया। दो वर्ड्स को ऐड करिए एक न्यू वर्ड बना है, और ये हो गया हनी। हनी मीन्स होता है शहद और कॉम मीन्स कंगी, तो हनी और कॉम मिलकर के हनी कॉम हो गया। उसी तरह देख लीजिए स्टार और ये फिश है, दोनों को हम एक साथ कर देंगे तो स्टार फिश हो जाएगा, एक नई चीज़ बन गई। देखिए हाँ, रेन और कोट मिलकर के क्या हो गया, न्यू वर्ड बन गया रेन कोट। उसी तरह आगे देख लीजिए कंबाइन टू वर्ड्स टू नेम द पिक्चर, ये कंबाइन करिए दो वर्ड्स को और ये जो पिक्चर है उसके नाम लिखिए। ये हो गया ड्रैगन, ड्रैगन है और फ्लाई, हम दोनों को मिला देंगे। देखिए ये प्लस है तो हम प्लस नहीं ऐड करेंगे इसमें, तो ड्रैगन फ्लाई हो जाएगा ये। उसी तरह मनी और प्लांट दोनों को हम मिक्स कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा मनी प्लांट। याद रखिएगा हमें ये प्लस नहीं लगाना है इसमें बीच में। उसी तरह हो गया गम, ये गम हो गया गोंद और ये बूट हो गया, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये गम बूट बन जाएगा, ये हम रेन ये बारिश में पहनते हैं, तो हो जाएगा जी यू एम गम बी डबल ओ टी। इसमें ऐड का हम निशान नहीं लगाएंगे, ऐड नहीं लगाएंगे, यहाँ गम बूट हो गया। और इसी तरह यहाँ हो गया सन और फ्लावर है, दोनों अलग अलग हैं चीज़ें, अब इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा नया, सनफ्लावर सूरजमुखी, तो ये जगह एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। अब ये देखिए दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बन जा रहा है, नई चीज़ बन जा रही है।